आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसा रहा मेरा पहला कोविड-19 वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइफकास्ट पर। हम इस चैनल पर यूके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई वीडियोस लाते रहते हैं, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। और हमेशा की तरह अभी लाइक मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मित्रों, हम सल्यूट करते हैं उन कोविड वॉरियर्स को जो कोविड-19 को फाइट करके फिर से ठीक हुए हैं, और हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि उन कोविड-19 फाइटर्स के लिए जो हमें छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एज ग्रुप है 40 to 45 ईयर्स। फिर भी हमें टेक्स्ट मैसेज के थ्रू एक लिंक आई थी हमारे जीपी की ओर से। पहले हमें लगा था ये कोई फेक लिंक होगी, तो हमने हमारे जीपी को फ़ोन करके कंफर्म किया और उसके बाद हमने हमारी अपॉइंटमेंट बुक करी। तो मित्रों, आपको जैसे पता है यूके में 3 टाइप की वैक्सीन्स दी जाती हैं। सबसे पहली दी गई थी दिसंबर में, जो थी फाइजर की वैक्सीन, जो 2 डोसेस में मिलती है। उसके बाद ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन शुरू हुई जनवरी में, और अभी अप्रैल से कई लोगों को मॉडर्ना की वैक्सीन भी मिल रही है। तो मित्रों, आपको कौन सी वैक्सीन मिलेगी ये आप चूज नहीं कर सकते। जो भी वैक्सीन आपके जीपी के पास मिल रही है वो आपके लिए बेस्ट है। मित्रों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वैक्सीन पूरी तरह ऑप्शनल है। अभी गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी नहीं किया है, ना ही उनका कोई प्लान है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और अपने आप को सेफ करके कम्युनिटी को भी सेफ करें। तो जब मैं हमारे जीपी सर्जरी में गया तो पूरी जीपी सर्जरी वैक्सीनेशन सेंटर में कन्वर्ट कर दी गई थी। आपने देखा होगा ऑल ओवर यूके कई सारी काउंसिल्स अपनी प्रॉपर्टीज जैसे कि लीजर सेंटर्स, एक्टिविटी सेंटर्स को वैक्सीनेशन सेंटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वैक्सीनेशन रेट बढ़ती रहे। जीपी सर्जरी में अंदर जाते ही एज यूजुअल आपके डिटेल्स चेक किए जाएंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, अपॉइंटमेंट टाइम वगैरह वगैरह। उसके बाद सीधे आपको आपके वैक्सीनेशन रूम में जाना होगा। रूम के अंदर नर्स से हाय हेलो के बाद एज यूजुअल वो भी आपके डिटेल्स चेक करेगी सिस्टम के अंदर। वैक्सीनेशन रूम के अंदर नर्स आपसे एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में पूछेंगी। मित्रों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोगों को वैक्सीन की एलर्जी होती है, जैसे कि मुंह सूज जाता है, सांस फूल जाती है वगैरह वगैरह। तो ये सारी रिएक्शंस आपको नर्स को बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मित्रों, इन वैक्सीन्स के वजह से ब्लड क्लॉट्स का भी मामला सामने आया था, तो नर्स आपको इस बारे में भी पूरी जानकारी देगी। मित्रों, इन फॉर्मेलिटीज के बाद आपको वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन जनरली आपके नॉन डोमिनेंट आर्म में दिया जाता है। जैसे कि मैं राइट हैंड हूँ तो मेरे लेफ्ट आर्म में, अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आपके राइट आर्म में ये वैक्सीन दिया जाएगा। तो मित्रों, ये वैक्सीन अपर आर्म में दिया जाता है, और वो भी इंट्रामस्क्यूलर, स्किन में नहीं, इंट्रावीनस नहीं, सीधा मसल में आपके ये वैक्सीन दिया जाता है। मित्रों, वैक्सीन देने के बाद आप उस एरिया को रब ना करें। दोस्तों, आपको एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा, जैसे कि हेडेक, वीकनेस, टायर्डनेस, पेन एट द इंजेक्शन साइट। ये सारी साइड इफेक्ट्स की जानकारी आपको पहले ही दी जाएगी। ऐसे कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट 30 मिनट्स आर क्रूशियल। इसलिए आपको सर्जरी में या फिर आपकी कार के अंदर 30 मिनट्स के लिए वेट करना है। अगर आपको कोई रिएक्शन आता है तो तुरंत आप आपकी नर्स को बताएं, आपको आगे की ट्रीटमेंट दी जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, मैं पूरी तरह ठीक था। वैक्सीन लेने के बाद मैंने घर आके थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद अपने काम पे लग गया। वैक्सीन देने के बाद नर्स ने मुझे सेकेंड डोज के बारे में भी बताया, जिसके लिए 8 to 12 वीक्स के अंदर मुझे नई अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। वैक्सीन लेने के बाद आपको एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें बैच नंबर और डेट ऑफ वैक्सीनेशन लिखा होगा आपके नाम के साथ, और कौन सी वैक्सीन मिली है उसका नाम, और उस वैक्सीन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी दिया जाएगा। दोस्तों, मुझे मिली थी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो 60 to 70% इफेक्टिव है, लेकिन पूरी एफिकेसी यानी 60 to 70% एफिकेसी तभी मिलती है जब आप सेकेंड डोज लेते हैं। फर्स्ट डोज के बाद आपको सारी प्रिकॉशंस लेनी, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना वगैरह वगैरह। तो जब तक आपको सेकेंड डोज नहीं मिलता, आपको कोविड हो सकता है।
तो मित्रों ये था मेरा पहला COVID-19 वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। मित्रों कैसा था आपका कोविड वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन के दोनों डोसेस मिल जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ़।